शुरू किया था, और ये देखिए आपकी जो दोनों वायरिंग्स हैं अब वो मेन से कनेक्ट हो गया है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं बाकी जो वायरिंग्स हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पीटी स्कैड एक्सपर्ट। मैं हूं आपका दोस्त रजत फासल। सो गाइस, वेलकम बैक टू द येट अनदर पार्ट ऑफ रेविट एमवीपी सीरीज, जिसके अंदर हम पूरा रेविट एमवीपी का एक बेसिक पार्ट कवर कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने एचवीसी वाला पार्ट कवर किया था, जहाँ पे हम कैसे एचवीसी सिस्टम को डिजाइन करते हैं, कैसे हमने काम किया है, वो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो तक के देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, गेस करिए। तो जवाब है दैट इज इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। यस, तो फाइनली काफी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर प्लीज इलेक्ट्रिकल के ऊपर वीडियो बनाइए, रिक्वेस्ट भी किया आप लोगों ने, तो आप सभी का दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने इसके लिए कमेंट किया और आपका वेट जो है वो काफी वर्थ इट है। तो फाइनली हम लोग रेविट एमवीपी के अंदर दूसरा जो पार्ट करने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब इस वीडियो में करने क्या वाले हैं ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि रेविट एमवीपी में जब हम इलेक्ट्रिकल के अंदर काम करते हैं तो हम मेनली काम करते हैं इफेक्टिव लाइटिंग डिजाइनिंग के ऊपर। ठीक है, कि कैसे हम इफेक्टिव लाइटिंग डिजाइनिंग करते हैं, किस तरह से हम वर्क करते हैं इसके अंदर, वो हम देखने वाले हैं। इसके अंदर हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लुमेंस वैल्यू लक्स वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसके बाद हम फिर हम करेंगे कि यहाँ पे हम कैसे उनको अप्लाई करते हैं, लाइटिंग फिक्सचर्स को कैसे अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम ये समझेंगे कि कैसे हम पैनल स्केड्यूल को जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे जो फाइनल पार्ट हमारा रहेगा दैट इज कॉन्ड्यूट रूटिंग, वो हम देखेंगे। दिखने में बड़े ही छोटा हो लेकिन ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम दोनों ही लेवल्स पे देखने वाले हैं। जो हमने कॉर्पोरेट बिल्डिंग ली थी जिसके अंदर हमने एचवीसी ऑलरेडी किया हुआ है, उसी के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट इनटू इट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से 2 मिनट लेना चाहूंगा। अगर आपने मेरा पीटीएस कैड एक्सपर्ट ऐप के ऊपर रेविट एमवीपी का कोर्स चेकआउट नहीं किया है तो जाओ जाके जरूर चेकआउट करो। रेविट एमवीपी के ऊपर अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ रेविट एमवीपी की टेक्निकलिटीज डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन आप समझना चाहते हैं रेविट एमवीपी काम कैसे करता है, तो इसके लिए मैंने अलग से कोर्स बनाया हुआ है हमारे पीटीएस कैड एक्सपर्ट ऐप के ऊपर, ऑलरेडी पब्लिश है। कॉस्ट नॉर्मल ज्यादा बड़ी नहीं है, आप इतने पैसे नॉर्मली अपने पिज्जा खाने में खर्च कर ही दे देते हो, तो ये तो नॉर्मल बात है। ठीक है, सो अब वीडियो पे वापस आते हैं। सो गाइस, अब आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास हमने लास्ट टाइम जो एचवीसी के बारे में पूरा कवर किया था कि कैसे हम एचवीसी डिजाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर इफेक्टिव लाइटिंग डिजाइनिंग होती है, जैसे हमने अभी इंट्रो में भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या आता है वो हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लेवल्स जनरेट करने हैं। अब लास्ट टाइम भी हमने यही सेम चीज की थी, इस बार भी हमें यही करना है। ठीक है, तो हमारे पास अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउजर गिवन है, और प्रोजेक्ट ब्राउजर में हम सबसे टॉप पे चलते हैं। यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिकल के अंदर सब डिसिप्लिन दिया हुआ है, और 2 सब डिसिप्लिन से यहाँ पे आप जरा नोट गौर करिएगा कि यहाँ पे आपके पास कौन कौन से सब डिसिप्लिन हैं। एक तो लाइटिंग है और एक पावर है। यहाँ पे हम लाइटिंग के अंदर 2 चीजें देखते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल के अंदर 2 चीजें आती हैं, एक आता है पावर सिस्टम और एक होता है स्विच सिस्टम। तो पावर सिस्टम और स्विच सिस्टम यहाँ पे 2 तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे हमारा जो सिस्टम डिजाइन होगा वो हम करेंगे लाइटिंग के अंदर, और पावर सिस्टम के अंदर डिजाइन होगा जैसे पैनल जो हम इंसर्ट करेंगे, जो हमारा एमसीबी होगा उसको इंसर्ट करेंगे, उसके अंदर कैसे काम करेंगे वो हम इसमें देखने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 सिस्टम्स दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे लाइटिंग के ऊपर आए तो हमारे पास वही 2 लेवल्स गिवन है। अब लेवल जनरेशन के बारे में हमने लास्ट टाइम कॉपी एंड मॉनिटरिंग किया था, वो वाला जो पार्ट है उसके अंदर हमने काफी अच्छे से मैंने डिटेल में कवर किया है कि कैसे हम कॉपी एंड मॉनिटरिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लेवल्स जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आ जाए व्यू टैब के ऊपर। ठीक है, प्लान व्यूज के अंदर आपको मिलेगा फ्लोर प्लान। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम डायरेक्ट 3D के अंदर हैं, तो हम डायरेक्ट 3D के अंदर नहीं जाएंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लेवल 1 को सिलेक्ट करना है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब हम यहाँ पे लेवल जनरेट कर रहे हैं तो आपको वही लेवल सिलेक्ट करना है जो पार्ट आप जनरेट कर रहे हैं। तो जैसे हमें फ्लोर प्लान करना है तो हम फ्लोर प्लान वाला ही ऑप्शन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे फ्लोर प्लान के अंदर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक भी लेवल गिवन नहीं है। अब इस लेवल को लेके कैसे है, तो यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है डू नॉट डुप्लीकेट एग्जिस्टिंग व्यूज। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे लेवल्स दिख जाएंगे। आप देख सकते हैं आपको सारे लेवल्स गिवन है।
ठीक है। यहां से हमें क्या करना है, एडिट टाइप में जाना है और इस बार सिनेरियो क्या होगा चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम मैकेनिकल सब डिसिप्लिन में क्रिएट किया था, इस बार हमें करना है लाइटिंग के अंदर, ये चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे इसके अंदर और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिकल मिल जाता है, यहाँ पे हम नीचे आएंगे और सब डिसिप्लिन क्या लेंगे, लाइटिंग, ठीक है। हमें लाइटिंग लेना है, यहाँ से अप्लाई और ओके करेंगे, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें अप्लाई ओके दोनों लेवल्स को सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से कर दो ओके। और अब आपका लेवल्स जनरेट हो गया, आप देख सकते हैं आपके सारे लेवल्स एज इट इज जैसे आपके थे वैसे के वैसे आ गए, ठीक है। अब इसके बाद आप चाहे तो इसका रीनेम कर लीजिए, रीनेम करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये देखिए मैं रीनेम कर देता हूँ, सॉरी फिर से ट्राई करते हैं, हट गया वो, तो 3-lighting, यहाँ पे हम करेंगे नो हर बार की तरह, 4-lighting, और 5-lighting, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जनरेट कर लिए, ये तो खैर हमारे फ्लोर प्लांट्स थे, लेकिन हमारा जो लाइटिंग का वर्क होगा वो सीलिंग पे होने वाला है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सीलिंग पे आएंगे, सीलिंग लेवल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम डायरेक्ट आएंगे रिफ्लेक्टिव सीलिंग प्लान पे। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको फ्लोर प्लान जनरेट करना है तो आप फ्लोर प्लान वाला ऑप्शन चूज करोगे, और अगर आपको सीलिंग वाले पे काम करना है तो आपको सीलिंग वाला लेवल चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम रिफ्लेक्टिव सीलिंग प्लान लेंगे, एडिट टाइप के अंदर जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमें लेना है लाइटिंग वाला ऑप्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सीलिंग, सब डिसिप्लिन हम लेंगे लाइटिंग, वही अप्लाई ओके, और यहाँ से मैंने अप्लाई ओके किया, डू नॉट डुप्लीकेट एक्सिस्टिंग यूज को ऑफ कर दीजिए, यहाँ पे तीनों को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ एंड ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि सीलिंग में भी वही सेम चीजें जनरेट हो गई है, वही इसका फिर से वही रीनेम कर ले, ठीक है। सेलेक्ट कर रहा हूँ सीलिंग 3, ठीक है। अब हम यहाँ पे वापस आ गए हैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि यहाँ पे हम जो करने वाले हैं मेनली हम क्या करने वाले हैं, इफेक्टिव लाइटिंग डिजाइनिंग करने वाले हैं। तो इफेक्टिव लाइटिंग डिजाइनिंग करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इफेक्टिव लाइटिंग डिजाइनिंग होता क्या है। इफेक्टिव लाइटिंग डिजाइनिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज के बेसिस पे या फिर कुछ स्टैंडर्ड के बेसिस पे डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। अभी जहां पे जैसे मैं किसी रूम में बैठा हूं तो यहाँ पे ल्यूमिनेंस वैल्यू और इल्यूमिनेंस वैल्यू कितना है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको ये पूरा रूम दिख रहा है, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफी सारे रूम्स अवेलेबल हैं, और अभी मुझे इसका क्या चेक करना है, इल्यूमिनेंस वैल्यू चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है ये इल्यूमिनेंस किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। तो इल्यूमिनेंस का मतलब क्या होता है, जरा एक बार गूगल के पास चलते हैं, गूगल बाबा जिंदाबाद। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फिर से गूगल पे जाता हूँ और सर्च करते हैं इल्यूमिनेंस, क्या इल्यूमिनेंस। अब देखिए इल्यूमिनेंस क्या होता है, ये आपको एक इमेज के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। दो चीजें होती हैं, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छे से पता नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक इमेज दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी सी इमेज क्लियर नहीं है, यहाँ पे थोड़ा एक क्लियर इमेज ले लेते हैं, हाँ दैट्स द इमेज, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इल्यूमिनेंस इंटेंसिटी है, यहाँ पे ल्यूमिनेंस फ्लक्स है, इल्यूमिनेंस है और ल्यूमिनेंस है। तो यहाँ पे ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी क्या है, जहां से लाइट एमिट हो रही है ये आपकी ल्यूमिनेंस है, और इल्यूमिनेंस जहां पर रिफ्लेक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। अभी रिफ्लेक्टिविटी की क्या जरूरत है, हम क्यों रिफ्लेक्टिविटी कैलकुलेट करें। देखिए जब भी हम कोई लाइटिंग अप्लाई करते हैं, ये ज्यादातर काम होता है इंटीरियर डिजाइनर्स के रिगार्डिंग, ठीक है, कि जब वो कोई लाइटिंग अप्लाई करते हैं तो उन्हें ये देखना पड़ता है कि कितना एरिया में लाइटिंग का इफेक्ट आ रहा है। अगर उससे कहीं ज्यादा या उससे कम हुआ तो हो सकता है थोड़ा सा डिजाइनिंग में फर्क पड़ जाए। तो उस चीज के लिए कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इफेक्टिव लाइटिंग डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है। अब ल्यूमिनेंस वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाए, अब मैं बता दूं कि रेविट एमपीपी के अंदर ल्यूमिनेंस वैल्यू कैलकुलेट एक्चुअली में नहीं हो सकता,
हाँ थोड़ा सा सैड जरूर है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास इसके अल्टरनेटिव्स हैं। तो हमारे पास दो तरीके के अल्टरनेटिव्स हैं। सबसे पहला तरीका तो है, हम यहाँ पे मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मैनुअली कैलकुलेशन के अंदर अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं आपके पास, जैसे कि IFC है, NFPA है, IEEE स्टैंडर्ड है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं आपके पास जिनके बेसिस पे आप लुमिनेंस और इल्यूमिनेंस वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ और आती है, दैट इज़ कंप्यूटर बेसिस कैलकुलेशन। अब कंप्यूटर में भी दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक है ऑनलाइन और एक है ऑफलाइन। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो ऑनलाइन हमारे पास डायरेक्ट कैलकुलेटर्स अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप बस एरिया लेंथ विड्थ डालिए और एक आपके पास ल्यूमिनेंस वैल्यू का एक आइडिया आ जाएगा और आप अपने उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है डायलक्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब सवाल ये है कि डायलक्स के बारे में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं पहले बता दूं कि डायलक्स वाला पार्ट इस वीडियो के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे है डायलक्स सॉफ्टवेयर। तो डायलक्स सॉफ्टवेयर जो है वो मेनली आपका इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि जो हम ल्यूमिनेंस वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं वो किस तरह से करेंगे। तो इसका एक ही जवाब है, दैट इज ऑनलाइन कैलकुलेशन। अब यहाँ पे मैं ऑनलाइन कैलकुलेशन क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक रीजन है। सबसे पहली चीज, तो जो ऑनलाइन हम कैलकुलेट करने वाले हैं वो जस्ट एन एग्जांपल के लिए करने वाले हैं, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन यहाँ पे हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मेनली क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिकल के ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो अलग अलग स्टैंडर्ड्स लिए जाते हैं, जैसे IEEE ही है, NFPA है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर ही। तो इतने सारे स्टैंडर्ड्स होने की वजह से बहुत सारी वैल्यूज डिफरेंट आती हैं, उनके अंदर जो सिंबल्स हैं, जो आपके जैसे कोई मोटर हो गया, स्विच हो गया, उन सभी के सिंबल्स अलग अलग होते हैं एक दूसरे से, उनका वैल्यू भी डिफरेंट होती है। तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज हो जाए और बहुत से लोग ये कमेंट में आके कहें कि नहीं सर, ये वाली वैल्यू आपने गलत उठाई है या फिर ये तरीका गलत है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट एक आइडिया लेंगे ऑनलाइन के थ्रू और वहाँ से हम लेने वाले हैं, ठीक है। वरना बाकायदा अगर कंपनी में देखा जाए, जितनी भी आपके बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो भी इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग के ऊपर अलग से काम करते हैं, जो अलग अलग फॉर्म्स हैं इसके रिगार्डिंग, वो डेडिकेटेडली अलग से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, दैट इज डायलक्स। और रैलक्स करके भी एक सॉफ्टवेयर आता है, वो भी यूज किया जाता है। तो जो भी इफेक्टिव लाइटिंग डिजाइनिंग का काम है जिसके अंदर हमें ल्यूमिनेंस वैल्यू देखनी पड़ती है, वो हम कर सकते हैं उसमें। और इल्यूमिनेंस और ल्यूमिनेंस वैल्यू निकालने का बहुत लंबा तरीका है, उसमें काफी ज्यादा टाइम लग सकता है और हो सकता है वो इस पार्ट की वजह से वो वीडियो बहुत लंबा खींच जाए। तो उस पार्ट को थोड़ा सा हम यहाँ पे अवॉइड करने वाले हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ ल्यूमिनेंस वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं वापस अपनी स्क्रीन की तरफ। तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे हम देख सकते हैं। तो इल्यूमिनेंस और ल्यूमिनेंस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए, ठीक है। जबकि लक्स वैल्यू होती है वो आपकी होती है आपके इल्यूमिनेंस की, ठीक है। इल्यूमिनेंस का जो सिंबल है वो लक्स ही है, ठीक है। सो लेट्स गेट टू अवर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास पूरा एरिया है। यहाँ पे मैं वापस से अपने टैग्स लेके आना चाह रहा हूँ, तो वही सेम एनालिसिस स्टेप पे जाएं। आपको दोबारा से स्पेसेस देने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार दे दिया, काम खत्म। यहाँ पे आपके पास स्पेस टैग है, उठा के बस आपको रखना है, नो फालतू का झंझट। एंड हियर आर अवर, ये देखिए सारे एज इट इज, जैसे हमने हमने जो क्रिएट किए थे वो सारे एज इट इज हमारे पास आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे एज इट इज आने के बाद हमारा यहाँ पे सवाल क्या बनता है कि हम कैसे लेके आए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे किसी भी स्पेस को सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे ल्यूमिनेंस वैल्यू के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये देख सकते हैं, ये मैकेनिकल का है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का है। अब इलेक्ट्रिकल के अंदर लाइटिंग में ल्यूमिनेंस वैल्यू की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। तो अब क्या करें, तो हमारे पास एक आता है पैरामीटर क्रिएशन। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम पैरामीटर क्रिएशन करेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए तो सबसे पहले तो हम जाते हैं मैनेज टैब के ऊपर। तो पैरामीटर क्रिएट करने के लिए आप यहाँ आ जा प्रोजेक्ट पैरामीटर के ऊपर, सब डिसिप्लिन के अंदर क्रिएट होगा, ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहां से मैंने रखा कैलकुलेटेड लक्स वैल्यू, ठीक है। इसके बाद यहां पे हम आ जाएंगे डिसिप्लिन के अंदर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। फिर यहां पे हमें बताना है कि हम इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इल्यूमिनेंस, ठीक है। और इसके अंदर हम यहां पे क्या करेंगे, लाइटिंग, ठीक है। ये हमारा पूरा प्रोसीजर रहेगा। और किसके अंदर हम कर रहे हैं, यहाँ पे जाएं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वाला ऑप्शन चूज करें इस ऊपर वाले में और स्पेसेस को सिलेक्ट कर लें। इसके अंदर हमें करना है
एवरीथिंग इज डन। और जो यहाँ पे दो आपको चीजें दिखेंगे, एक तो मिलेगी टाइप प्रॉपर्टी और एक मिलेगी इंस्टेंट प्रॉपर्टी। तो हमें चूज करना है इंस्टेंट प्रॉपर्टी, टाइप प्रॉपर्टी नहीं करना है, वरना चेंजमेंट अगर हम करने जाएंगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो हमें सभी में इंडिविजुअली चाहिए, तो हमें इंस्टेंस प्रॉपर्टी लेंगे। यहां से हमने किया ओके और ओके कर दो। अब आप देख सकते हो जैसे आप क्लिक करोगे किसी भी स्पेसिस के ऊपर तो आपके पास यहाँ पे अलग से मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल आता है कि हम इल्यूमिनेंस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे ऑनलाइन कैलकुलेटर का यूज करने वाले हैं जस्ट फॉर एन रेफरेंस पर्पस। आप ऐसे प्रैक्टिस पर्पस के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप कंपनी में रियल टाइम में जाएंगे तो वहां पे आपको डायलग सॉफ्टवेयर अलग से बताया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है लुमेंस वैल्यू। तो लुमेंस वैल्यू के लिए हमारे पास यहाँ पे पहले लुमेंस कैलकुलेटर आता है, और लुमेंस कैलकुलेटर के लिए अलग अलग आपके पास वेबसाइट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे वियॉन के लिए है अलग से। ये देखिए इस तरीके का हमारे पास एक लुमेंस का कैलकुलेटर आता है, LED लाइटिंग कैलकुलेटर, जिसके अंदर आप रूम टाइप बता सकते हैं, रूम टाइप कौन सा है, यूनिट आप किसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं, विड्थ लेंथ हाइट वगैरह सब आप बता सकते हैं, उसके हिसाब से फिर कैलकुलेट करेगा ये। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप आ जाए यहाँ पे रेविट के ऊपर। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि हम कैलकुलेट कैसे करें। तो देखिए मैं आपके लिए एक चीज थोड़ा यहाँ पे आसान करने वाला हूँ, दैट इज कि हमारे पास कुछ ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यूज गिवन है, और मैं ये बता दूं आप कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वैल्यू दिखाता हूँ अभी। सो ये देखिए, ये है हमारी सारी लुमेन वैल्यूज, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑफिस बिल्डिंग के लिए लक्स वैल्यू इतनी रहती है, कॉरिडोर के लिए, पैसेज के लिए इतना रहता है, यहाँ पे किचन पेंट्री इनके लिए अलग से रहता है, टॉयलेट बाथरूम इनके लिए अलग से, और रिसेप्शन के लिए अलग से। तो इन सभी का लुमिन्स वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं, कैसे करेंगे ये हम देखें। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास सारे रूम्स हैं। ठीक है, ये वाला हमारे एरिया हमने छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे स्पेसिस हैं हमारे पास। तो कुछ स्पेसिस के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लुमिन्स वैल्यू दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो जो टॉयलेट और बाथरूम है उसके लिए वैल्यू कितना है, 150 है, तो हम 150 लक्स डायरेक्ट दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, स्पेसिस को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली 150 लक्स। ठीक है, लक्स अब किसकी वैल्यू होती है, जैसे मैंने आपको बताया लक्स वैल्यू होती है आपकी इल्यूमिनेंस की। ठीक है, लेकिन जैसे आप यहाँ पे अगर स्पेसिस को सिलेक्ट करें तो आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे FC आ रहा है। अब FC क्या है, FC होता है फूड कैंडल्स। ठीक है, तो जो आपकी यूनिट है लक्स की वो फूड कैंडल्स आती है, लेकिन हमें यहाँ पे फूड कैंडल्स में नहीं देखना, हमें लक्स में देखना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट चेंज करना पड़ेगा। जो यूनिट चेंज करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है UN, एंटर नहीं करना है, ये ऑटोकैड नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ, अगर सोच रहे हो कि एंटर करोगे UN एंटर, ना वो नहीं होने वाला। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, UN प्रेस करेंगे। जैसे UN प्रेस करेंगे आप यहाँ पे आ जाए डिसिप्लिन के अंदर, यहाँ पे आपको मिल जाता है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल के अंदर आपको मिल जाता है यहाँ पे इल्यूमिनेंस, यहाँ पे आपको दिया है फूड कैंडल्स। ठीक है, तो फूड कैंडल्स में यूनिट है, आप चेंज कर लीजिए लक्स, वैसे आप फूड कैंडल्स भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप लक्स भी रख सकते हो, लक्स की यूनिट होती है LX। ठीक है, ओके करें और ओके कर दे। अब आप देख सकते हो, जैसे आप ओके करोगे तो आप यहाँ पे स्पेसिस पे देख सकते हो कितना ज़्यादा जा रहा है, तो हमें इतना तो नहीं रखना है, ये बहुत ज़्यादा हो गया, हमारा है होता है 150। ठीक है, तो कुछ के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट दे देता हूँ ओनली 150 लक्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं वर्किंग एरिया है, ऑफिस है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 400-500 लक्स, तो हमारा यहाँ पे आ जाता है इस एरिया के लिए वो है, हम मिनिमम 400 मान के चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं 400 रख सकूंगा। इसके बाद यहाँ पे रिसेप्शन है, रिसेप्शन के लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट 200 लग सकेंगे। ठीक है, अब हो सकता है ये थोड़ा एरिया अलग से लगे, लेकिन रिसेप्शन के लिए जो कैलकुलेटेड है, जो स्टैंडर्ड है, वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम रखेंगे 200 लक्स। ठीक है, अब जो चीज कैलकुलेट नहीं हुई है, जिसके लिए हमने कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं किए हैं, दो चीजों के लिए नहीं किए हैं, एक है यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम और एक है ऑफिस, जो जहाँ पे आपके बॉस बैठते हैं, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो, आपको जो बॉस का जो कैबिन होता है उसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इनका एरिया और लेंथ फिट हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इसका एरिया देखेंगे, एरिया देखने के लिए और लेंथ फिट देखने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है,
दो तरीके से आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एनोटेशन में जाएंगे और लेंथ और विड्थ निकाल लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सबसे पहले लुमेंस वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो लुमेंस वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले लेंथ लेंगे। लेंथ के लिए मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ अलाइन टूल बार। ठीक है, अलाइन के लिए यहाँ पे डायमेंशन यूज करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमेंशन ये चूज नहीं कर रहा है, वॉल सेंटर लाइंस ले रहा है, हमें लेना है वॉल फेसेस। वॉल के ठीक फेसेस पे से चूज करके यहाँ पे हम एंड तक जाएंगे और ये देखिए आपके पास लेंथ आ गई। हमें विड्थ देखनी है, क्लिक करो यहाँ पे और सरफेस टू सरफेस हम यहाँ पे निकाल लें, दैट्स इट, फाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके पास आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे सेम वही हम क्या करेंगे, ऑफिस का भी ले लेंगे यहाँ पे, ये देख लीजिए, और यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट ये देखिए, सी ज्यादा मुश्किल नहीं था हमारे लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें साथ साथ में एरिया भी देखना है, क्योंकि जब हम लुमेंस वैल्यू निकालेंगे तो हमें लुमेंस से लक्स भी कन्वर्ट करना है, तो लक्स वैल्यू निकालने के लिए हमें एरिया की भी जरूरत पड़ेगी। अब एरिया कैसे कैलकुलेट करें, बहुत आसान है। यहाँ पे सबसे पहले तो आप आ जाए एनालाइज स्टेप के ऊपर, यहाँ पे स्पेसिस और जोन पे आना है, और यहाँ पे नीचे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एरिया एंड वॉल्यूम कंप्यूटेशन मिलेगा। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास आएगा वॉल फिनिश के ऊपर करना है हमें, और एरिया एंड वॉल्यूम हमें निकालना है। ठीक है, ओके करना है यहाँ पे। ओके करने के बाद आपके पास एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेट हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एरिया शो नहीं हो रहा। तो एरिया शो करने के लिए आपको जो ये टेक्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है जिसके ऊपर अभी हम हाईलाइट कर रहे हैं, क्लिक करना है, एडिट टाइप में जाना है और यहाँ पे शो कर दे, एरिया के ऊपर क्लिक कर दे, अप्लाई, ओके। अब आप देख सकते हो एरिया साफ साफ यहाँ पे शो हो रहा है, और जो ये एरिया है ये स्क्वायर फिट के अंदर है। ठीक है, क्लियर है, समझ गए, दैट्स द एरिया। अब यहाँ पे आ जाता हूँ इधर इसके ऊपर, तो हमारे पास पहले तो हमें लेंथ और विड्थ देखनी है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए लेंथ कितनी है इसकी, अभी हम सबसे पहले कॉन्फ्रेंस हॉल की निकालेंगे। तो कॉन्फ्रेंस हॉल की लेंथ कितनी है, 16 फिट 2 से 1/2 इंच। डबल क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, ओके करेंगे, कॉपी करूँगा मैं इसको, कैंसिल, और इसके बाद मैं यहाँ आके कर दूंगा इसको पेस्ट। ठीक है, मैं फिट में रख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं नीचे लेंथ के ऊपर, वही सेम यहाँ पे जाएंगे और लेंथ विड्थ ले लेंगे यहाँ पे, ये ले लीजिए विड्थ, सॉरी हमने उल्टा कर दिया, यहाँ पे पहले विड्थ आएगा और यहाँ पे आ जाएगा लेंथ। लेंथ हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और हाइट हमें रखनी है 10 फिट, 10 फिट तक हमारी हाइट रहेगी। इल्यूमिनेंस कैसा रखना है हमें, मीडियम रखना है। इंटीरियर स्कीम लाइट और इंस्टॉलेशन सेंटर, और यहाँ से हम करेंगे कैलकुलेट। ठीक है, तो जैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास लुमेंस वैल्यू आ गई, इसको हम कर लेते हैं कॉपी कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम कर लेते हैं लुमेंस टू लक्स कन्वर्टर। ठीक है, यह मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, और reputable.com ये काफ़ी एक अच्छी वेबसाइट है जो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको लुमेंस वैल्यू रखनी है, उसके बाद आपको बताना है सरफेस एरिया कितना है, तो सरफेस एरिया आप बता दीजिए। जैसे कि मैं, मेरा जो सरफेस एरिया है इसका कितना है, ये है 359। ठीक है, तो 359 हमें रखना है, तो मैंने रखा 359 और कैलकुलेट। तो आप देख सकते हैं आपके पास टोटल लुमेंस वैल्यू आ गई है 168 इसकी लुमेंस वैल्यू है। इसको कर ले कॉपी कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं इसको उठा रहा हूँ और यहाँ आ जाए, यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ मैंने कर दिया इसको पेस्ट, हो गया इतना। तो अब आप देख सकते हैं इतना कुछ आपके पास लक्स वैल्यू आ गई है। सेम हमें क्या करना है इसके लिए करना है, दैट इज ऑफिस के लिए। तो ऑफिस के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑफिस के लिए हम करेंगे, जैसे हमने पहले तो लुमेंस वैल्यू में आना है, तो ऑफिस के लिए पहले तो हमें लेंथ देखनी पड़ेगी, वही सेम लेंथ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले तो लेंथ ले लेते हैं इसकी, डबल क्लिक करूंगा मैं कंट्रोल सी क्या है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ डायरेक्ट इसके ऊपर लेंथ। ठीक है, विड्थ कितनी रखनी है, विड्थ हमें यहाँ पे बता दिया जाएगा, दिस इज द विड्थ, कंट्रोल सी करेंगे हम इसको, कैंसिल, एंड दैट इज यहाँ पे हम करेंगे कंट्रोल वी, वही हाइट 10 फिट, सारी चीजें कैलकुलेट कर लो, करो लुमेंस वैल्यू कॉपी, लुमेंस टू लक्स कन्वर्टर यहाँ पे पेस्ट करो। ठीक है, इसको मैं 0 कर देता हूँ,
एरिया यहाँ पे हमें कितना रखना है, एरिया हमें इसमें गिवन होगा, दैट इज 162। ठीक है, तो 162 कैलकुलेट, और आप देख सकते हैं 160 के आसपास लक्स वैल्यू आ रही है। कंट्रोल सी किया और यहाँ पे हम कर देंगे इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल, नीचे आ जाए कंट्रोल वी। ठीक है, सो दैट्स द होल लुमेंस वैल्यू कैलकुलेशन। तो हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा जो दूसरा काम आता है दैट इज द लाइटिंग फिक्चर एप्लीकेशन। ठीक है, अब लुमेंस वैल्यू तो हमने निकाल ली, लक्स भी अप्लाई कर लिया, अब हमें करना है क्या, लाइटिंग फिक्चर्स को अप्लाई करना है। तो लाइटिंग फिक्चर्स को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आना है सिस्टम स्टैप के ऊपर। तो सिस्टम स्टैप पे आने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है लाइटिंग फिक्चर। ठीक है, अब जैसे आप लाइटिंग फिक्चर अप्लाई करेंगे तो एक चीज हमें यहाँ पे पता करनी है कि लाइटिंग फिक्चर के अंदर जो लुमेंस और लक्स वैल्यू दी है वो कितनी है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे लाइटिंग फिक्चर के ऊपर जाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे आपको लाइटिंग फिक्चर मिल जाता है। ठीक है, नॉर्मल जो आपका रहता है डिफॉल्ट। अब लाइटिंग फिक्चर को अप्लाई करने के तीन तरीके हैं, क्या तो आप यहाँ पे वॉल्स के ऊपर अप्लाई करें, यहाँ पे आप अप्लाई करें फेस के ऊपर, या फिर वर्क प्लेन के ऊपर। तो जैसे मैंने किया फेस को सिलेक्ट, सीलिंग के ऊपर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हमने तकरीबन तीन लाइटिंग फिक्चर्स को अप्लाई कर दिए। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि लुमिनस वैल्यू हमारे डायरेक्ट आपकी जो लाइटिंग जो आती है, लाइटिंग जो फिक्चर्स आते हैं, जैसे कोई CFL हो गया या कोई बल्ब हो गया, उसके अंदर लुमिनस वैल्यू वेरी करती है एक दूसरे से। अब वो डिपेंड करता है कि वो मैन्युफैक्चरर कौन है, उसका किस कंपनी का है, कैसे उसके अंदर लाइटिंग का काम किया गया है, वो कितने वाट का बल्ब है, उन सब के ऊपर डिपेंड करता है। तब उसकी के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि आप क्या कैसे करना चाह रहे हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लाइटिंग इसकी देखूँ, तो यहाँ पे हम इसी के देख ले लुमिनस वैल्यू, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि लुमिनस वैल्यू कितना है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 64 वाट एट द रेट 8906 LM/W। सो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से आपके पास मिल जाता है, तो एफिशिएंसी इतनी है। ठीक है, और इल्यूमिनेंस 48 दिया हुआ है। अब ये लाइटिंग फिक्चर का इल्यूमिनेंस है, मैं पहले बता देता हूँ कि लाइटिंग फिक्चर वाला इल्यूमिनेंस और जो हमने कैलकुलेट किया है उसका इल्यूमिनेंस में बहुत फर्क है। तो अगर आप इसमें चेंज भी करते हैं तो हो सकता है वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आए, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है। तो थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करना है तो आप स्केड्यूल वाला ऑप्शन करके देख सकते हैं। ठीक है, सो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे आते हैं, तो हम सारे लाइटिंग फिक्चर्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके मैं सारे लाइटिंग फिक्चर्स को अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम करेंगे प्लेस ऑन फेस, तो दो लाइटिंग फिक्चर्स मैं यहाँ अप्लाई करूंगा, ये देखिए, एक यहाँ किया, एक यहाँ किया, और एक हमने किया यहाँ पे, और एक हमने किया यहाँ पे। ठीक है, इस तरह के से। सो अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमें जो डायमेंशन दिख रही है इनको हम हटा देते हैं, अभी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ जो यहाँ पे हमने एरिया वगैरह दिया हुआ है इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको रिमूव करने का वही सेम तरीका है, एडिट टाइप पे जाके यहाँ पे हम करेंगे शो एरिया के ऊपर ऑफ, अप्लाई, ओके एंड दैट्स इट। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हम यहाँ पे आप क्या करने वाले हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन आता है वो है सिस्टम को अप्लाई करना। ऑब्वियस ही बात है, अगर लाइट अप्लाई कर रहे हैं तो उसको ऑन करने के लिए स्विच की तो जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास अलग अलग स्विचेस हैं, तो स्विचेस के लिए हम यहाँ पे आएंगे डिवाइस के ऊपर, तो हमारे पास मिल जाता है यहाँ पर लाइटिंग। ठीक है, ये लाइटिंग वाला है, आपके पास स्विच का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग टाइप के लाइटिंग्स बन जाएंगे, जैसे सर्किट ब्रेकर है, आपके पास डिमर है, डोरवे है, फोर वे स्विच है, सिंगल ऑपरेटेड है, मतलब की ऑपरेटर आप कह सकते हैं, लो वोल्टेज है, पायलट लाइटेड है, सिंगल पोल है, थ्री वे है और टाइमर। तो सिंगल पोल है आपके पास, तो मैं सिंगल पोल वाला सिलेक्ट करूंगा। तो सिंगल पोल वाला हमें लाइटिंग फिक्चर अप्लाई करना है, और लाइटिंग फिक्चर इसके लिए फिर हमें जाना पड़ेगा हमारे लेवल के ऊपर। ठीक है, हमें आना पड़ेगा फ्लोर लेवल पे, तो फ्लोर लेवल पे ही हम अप्लाई करेंगे। सो यहाँ से मैंने लिया वही लाइटिंग फिक्चर ले लेंगे, और हमने करना है सिंगल पोल। ठीक है, मैं सिंगल पोल सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसके लिए हम एक एक लाइटिंग फिक्चर को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, दैट इज़ द सिंगल पोल। ठीक है, फिर एक यहाँ पे मैं करूँगा अंदर की तरफ, एक मैंने ठीक इसी के बराबर में किया, और यहाँ पे हम करेंगे इसमें एक और, दैट इज इधर, इधर हो चुका है, आई थिंक इधर हो गया, इस पे करना है। दो लाइटिंग फिक्चर हम इधर सेलेक्ट करेंगे, एक हमने किया इधर और
एक हम डायरेक्ट इसी के लिए लेते हैं रिसेप्शन से, तो ये हो जाएगा ठीक है। सो इस तरीके से, तो इस तरीके से हमने पूरा प्लानिंग कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिस्टम क्रिएशन करना है सेम एज आपका जैसे HPC में होता था। तो यहाँ पे हम क्रिएट कैसे करेंगे देखते हैं। तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या क्रिएट करना है, सिस्टम क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम क्या सिलेक्ट करेंगे, लाइटिंग पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। तो लाइटिंग पिक्चर को जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो पूछेगा आपका दो सिस्टम, पूछेगा स्विच एंड पावर। तो हमें सिलेक्ट करना है स्विच सिस्टम, ऑब्वियस ही बात है। तो यहाँ पे हमें करना है सिलेक्ट स्विच, हो गया। अब इसके बाद ये देखिए ठीक है, इस तरीके से हमारा स्विच सिस्टम क्रिएटेड। अब सेकेंड वही सेम ऐसे ही करना है, स्विच सिस्टम क्लिक करेंगे, सिलेक्ट स्विच एड। तो ये देखिए एक और हो गया, टैब के साथ आप प्रेस करेंगे ये आपको पता चल जाएगा। सेम ऐसे ही मैं इसका क्रिएट करूंगा, वही सेम सिलेक्ट स्विच आ गया ऐसे। तो इस तरह के साथ स्विच सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। सेम ऐसे मैं इसमें भी करूंगा, सिलेक्ट स्विच सिस्टम एड स्विच, ये लीजिए ये क्रिएट हो गया। ऐसे ही सेम इनके लिए भी करेंगे। तो मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा सिस्टम क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनके बीच में वायरिंग करनी है। अब देखिए वायरिंग हम दो तरीके से करने वाले हैं, एक है आपकी 2D वायरिंग, एक है आपकी 3D वायरिंग। अब 3D वायरिंग हम इसे इनडायरेक्टली कह सकते हैं कॉन्ड्यूट रूटिंग, ठीक है। तो कॉन्ड्यूट रूटिंग वाला पार्ट तो अभी नहीं होगा, कॉन्ड्यूट रूटिंग हम तब करेंगे जब हमारा पैनल शेड्यूल बन जाएगा, पैनल शेड्यूल क्रिएट करना है। तो पैनल शेड्यूल के लिए ऑब्वियसली हमें पैनल चाहिए होगा। और अब पैनल यहाँ पे क्या है, बेसिकली आप MCB से इसको मान सकते हैं, MCB जो आती है आपकी वो हम यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जाएंगे सिस्टम टैब के ऊपर, वही यहाँ से मैं ले लाए लाइटिंग इक्विपमेंट, इसको क्लिक करेंगे। हमारे पास लाइटिंग बोर्ड है, लाइटिंग बोर्ड के अंदर अलग अलग आपके पास वोल्टेजेस है, कोई 110 एम्पियर है। अब देखिए ये इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, आई नो। अब इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्रिएट कैसे करेंगे, फिर इसके लिए आपके पास आता है फैमिली क्रिएशन, ठीक है। तो फैमिली क्रिएशन जब आप करेंगे, और मैं बता दूं फैमिली क्रिएशन हमने ऑलरेडी हमारे PTS CAD एक्सपर्ट फैमिली क्रिएशन वाला पार्ट है, ये हमने ऑलरेडी हमारे कोर्स के अंदर डिस्कस किया है। तो अगर आप लोगों ने हमारा कोर्स चेकआउट नहीं किया है ऑन रेविट MEP, तो क्या वेट कर रहे हो, जाके चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और सीखो जाके मजे करो। तो ज्यादा बड़ी प्राइस नहीं है, नॉर्मल प्राइस है, ओके। सो लेट्स गेट टू द आवर टॉपिक। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ले लेते हैं 100 एम्पियर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 100 एम्पियर का लाइटिंग फिक्चर ले रहा हूँ, और ठीक मैं इसको कहाँ प्लेस करूंगा, अंदर की तरफ अभी के लिए तो, और इसको हम प्लेस करेंगे यहाँ पे ठीक कॉर्नर में, लेकिन हमारे पास जो लाइटिंग फिक्चर रहेगा वो यहाँ रहेगा, ठीक है। ठीक ऑफिस में रखेंगे इसको, और यहाँ हमने प्लेस कर दिया है, यहाँ पे हमारा लाइटिंग फिक्चर रहेगा। तो इस तरीके से हम क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमें जनरेट करना है पैनल शेड्यूल। तो पैनल शेड्यूल के लिए यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपके पास आता है क्रिएट पैनल शेड्यूल का ऑप्शन, यहाँ पे आपके पास आता है यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट और चूज अ टेम्पलेट। तो आपके पास आता है यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट, क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास अभी कोई हमने पैनल शेड्यूल जनरेट नहीं किया, तो यहाँ पे आपके पास पूरी डिटेल मिल रही है, ठीक है। तो कैसे हम क्रिएट करेंगे ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप वापस से आते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, पावर सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा। पावर सिस्टम कैसे जनरेट करेंगे, इसका सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले तो हमें इनके रिगार्डिंग पहले पावर सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्लिक करेंगे पावर सिस्टम के लिए, यहाँ पे सिलेक्ट पैनल, ठीक है, सिलेक्ट पैनल करेंगे, और ये देखिए अब आपके पास एक सर्किट डायग्राम यहाँ पे तैयार हो जाता है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। फिर आप यहाँ से आप डायरेक्ट अब 2D वायरिंग कर सकते हैं। तो 2D वायरिंग पे भी आऊँगा, अब ऐसे ही मैं बाकी चीज़ों पे भी कर देता हूँ। यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, स्विच सिस्टम क्रिएट, सॉरी पावर सिस्टम क्रिएट करेंगे, वही पैनल को सिलेक्ट करो और आपके पास जनरेट होता चला जाएगा। क्लिक किया, ये देखिए पावर सिस्टम क्रिएशन। अब मुझे पैनल शेड्यूल देखना है, तो पैनल शेड्यूल के लिए आप नीचे आ जाएं, यहाँ पे आपके पास पैनल शेड्यूल मिलता है,
तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपके पास आपके जो वोल्टेज है वो आ रही है। अब मैं बता दूं यहाँ पे एबीसी क्या है। एबीसी क्या आपका है, थ्री फेज लाइटिंग, ठीक है। तो अलग अलग जैसे आप जानते हैं कि थ्री फेज लाइटिंग होती है आपकी। अब वैसे तो इंडियन स्टैंडर्ड में अलग तरीके से होता है, यहाँ पे एबीसी है। आपके पास वहाँ पे होता है आर वाई बी, रेड ग्रीन येलो, यहाँ पे होता है एबीसी, ठीक है। तो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, बट डोंट वरी, हम यहाँ पे इसको आर वाई बी मान के ही चलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रीबैलेंस लोड। तो यहाँ पे मैंने रीबैलेंस लोड कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास आ जाता है सर्किट डिस्क्रिप्शन। ऐसे ऐसे हम बाकियों के लिए भी करेंगे, तो थोड़ा सा इसमें हो सकता है टाइम लग जाए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा वाला प्रोसीजर रहेगा। सॉरी, हम डायरेक्ट मैकेनिकल के ऊपर आ रहे हैं, सॉरी हम आ जाते हैं लाइटिंग के ऊपर। तो एक एक करके करना पड़ेगा हमें। वही सेम तरीका है कि सिलेक्ट करें यहाँ पे लाइटिंग फिक्सर को, पावर पे जाएं, पैनल के ऊपर क्लिक करें, ठीक है। ऐसे ही क्लिक करें पावर सिस्टम, और ये देखिए। तो अब आप डायरेक्ट ही यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, आपको पैनल को जनरेट करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, अब ये होता चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी आप लाइटिंग फिक्सर को सिलेक्ट करें। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया टैब के साथ, इसको चार बार प्रेस करेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2D वायरिंग भी कर सकते हैं। तो 2D वायरिंग वाला पार्ट कैसे है, यहाँ पे आपके पास आर्क भी आती है और चम्फर्ड वायर भी आती है। तो अगर आप आर्क सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए आपके पास 2D वायरिंग आ जाएगी। ऐसे ही आप सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे आप चम्फर्ड वायर भी कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। इसके अलावा हम प्रेस करेंगे इसको, ये देखिए, आप आर्च करना चाहे, चैम्फर्ड करना चाहे, इट्स अप टू यू। कोशिश करें टैब के साथ सेलेक्ट करें यहां पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका लाइटिंग फिक्सर रेडी हो जाता है। अब आ जाता है हमारा मेन टॉपिक, दैट इज पैनल स्केड्यूल। तो पैनल स्केड्यूल के लिए हमने ऑलरेडी पैनल स्केड्यूल क्रिएट कर लिया है। तो जैसे जैसे आप सिस्टम क्रिएशन करते जाएंगे, पावर सिस्टम क्रिएशन करते जाएंगे, तो वैसे वैसे आपका पैनल स्केड्यूल जनरेट होता चला जाएगा। ये देखिए, मैं सभी को रिले बैलेंस कर लेता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं कि आपके पास थ्री फेज लाइटिंग यहाँ पे प्रॉपर आ रही है, और कौन सी में कितना एम्पियर जाएगा, कितना नहीं जाएगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरा पैनल स्केड्यूल यहाँ पे आपका रेडी है, ठीक है। तो अब आ जाता है हमारे इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसका आप शायद वेट कर रहे होंगे काफ़ी समय से, कि सर कैसे हम बनाएंगे यहाँ पे कॉन्ड्यूट रूटिंग। हमने यहाँ पे 2D वायरिंग कर ली, अब बारी आती है 3D वायरिंग करने की। तो 3D वायरिंग के तो 3D वायरिंग करने के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे कैसे हम कॉन्ड्यूट रूटिंग करने वाले हैं। अब कॉन्ड्यूट रूटिंग के लिए हम यहाँ पे सिंगल कॉन्ड्यूट रूटिंग में करते हैं और केबल ट्रे डिजाइनिंग में करते हैं। अब देखिए, केबल ट्रे जो डिजाइनिंग होती है वो मोस्टली होती है बड़ी इंडस्ट्रीज में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई एयरपोर्ट बन रहा है, या फिर कोई बहुत बड़ा ऑफिस है, कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस है, 100 मंजिला की बड़े कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कोई बहुत बड़ा मॉल है, वहां पे केबल ट्रे देने का सेंस बनता है। बट ये एक छोटा प्रोजेक्ट है, ज्यादा बड़ा स्केल नहीं है इसका, तो इट डजंट रिक्वायर्ड। तो केबल ट्रे यहाँ पे आप यूज तो नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ पे कॉन्ड्यूट रूटिंग जरूर दे सकते हैं। तो फिर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम कॉन्ड्यूट रूटिंग के लिए क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप आ जाए यहाँ पर एलिवेशन के ऊपर, ठीक है। तो जैसे आप कोई भी एलिवेशन सेलेक्ट करें, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, जो भी आप करना चाहें। इसके बाद यहाँ पे आप पहले तो देख लें कि HVAC के साथ कोलाइड तो नहीं कर रहा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हम कॉन्ड्यूट रूटिंग करने वाले, तो कैसे करेंगे ये हम देखें, ठीक है। तो कॉन्ड्यूट रूटिंग के लिए आप कॉन्ड्यूट सेलेक्ट करें, क्लिक किया मैंने, और यहाँ से क्लिक करते जनरेट हुआ, फिनिश करेंगे कनेक्शन को, और इस तरह से लेके जाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ तक ऊपर तक लेके गए, और अब आप इसको डिजाइनिंग करना शुरू कर सकते हैं। तो आ जाए आप यहाँ पे सीलिंग के ऊपर, सीलिंग लेवल 3, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का डॉट मिल रहा है, इट मीन्स ये आपका वही कॉन्ड्यूट ही है। तो बनाना शुरू करें, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप कॉन्ड्यूट ले लें डायरेक्ट, और यहाँ से यहाँ तक एक कॉन्ड्यूट दे दें इसमें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसी से ही
ले ले एक सेकेंड, पहले तो हमें इसके हाइट देखना पड़ेगा, हाइट कितनी है। इस हाइट को कर ले कॉपी, टॉप एलिवेशन मिडल एलिवेशन कॉपी करें, ठीक है। और यहाँ से सेम वही कंट्रोल वी, और ठीक यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। और ये देखिए, तो यहाँ तक लेके जाएंगे, ठीक है। अब हो सकता है आप कहोगे कि सर सीरीज या पैरेलल क्यों नहीं किया, तो देखिए हम यहाँ पे एक ही कॉन्ड्यूट के अंदर कर रहे हैं, तो कॉन्ड्यूट के अंदर सारी सिंगल वायरिंग ही लेंगे, ठीक है। बाकी स्विचिंग के लिए अलग से हम देंगे यहाँ पे। फिलहाल के लिए अभी मैं बस लाइटिंग फिक्चर को कनेक्शन करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। कॉलम है यहाँ पे, तो हम इस तरह से दे देते हैं, ये ठीक रहेगा। इसके बाद यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लाइटिंग फिक्चर देना है। सो पहले तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, हमारे पास स्विच कहाँ कहाँ पे हैं, तो एक बार ज़रा थ्री में देख लेते हैं। तो थ्री में कुछ नज़ारा आपको ऐसा मिल जाएगा, ये देखिए। सो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हमें कोई बॉदर करने की ज़रूरत है। साफ साफ हमें पता लग रहा है किसी की चीज़ के साथ यहाँ पे कोलाइडेशन तो है ही नहीं, तो कोलाइड वाला तो सवाल पैदा ही नहीं होता। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्विचेस वहाँ पे वॉल भी ऊपर लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा हवा में उड़ रहा है, नहीं ये हवा में नहीं उड़ रहा है, तो थोड़ा बहम निकाल दें यहाँ से। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो इधर आ जाए, इसके अंदर आप कोई भी एलिवेशन चूज करें, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ईस्ट ले लेता हूँ, ईस्ट ले लें या कोई भी एलिवेशन ले लें। तो जैसे आपको स्विच वगैरह बनाना है या फिर हमें स्विच के साथ कनेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, तो पहले तो हमें करना पड़ेगा प्लान स्टडी। तो प्लान स्टडी के लिए मैं आता हूँ यहाँ पे, तो स्विचेस के लिए यहाँ पे हम डायरेक्ट आ जाते हैं। तो इसमें ये देख लीजिए, यहाँ पे ये आपके पास स्विचेस है, एक यहाँ पे गिवन है। तो डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं सिस्टम स्टैप के ऊपर, तो यहाँ से मैंने क्लिक किया और ठीक इसके यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे, ये देखिए। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, एक बार हमें 3D पे देखना पड़ेगा कि 3D में कहाँ आ रहा है। तो 3D में ये आपका आएगा ईस्ट एलिवेशन पे, ठीक है। तो ईस्ट एलिवेशन पे आ जाए, इसको यहाँ से इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, इसको भी मैं हाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे हम आ जाए सिस्टम स्टैप के ऊपर, और ये देखो इस तरीके से, ये देखिए। तो सेम हम बाकियों के लिए भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो बाकी के लिए मेरे ख्याल से आप शायद करके देख लेंगे, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कॉन्ड्यूट रोटिंग बाकी के लिए भी कर रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं यहाँ से डायरेक्ट शुरू करेंगे आगे। तो इसके लिए मैंने ले लिया यहाँ से एक और कॉन्ड्यूट, हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, यहीं से ही ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, तो कंट्रोल वी करेंगे। यहाँ से मैं उठाऊंगा और इसको यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही सेम इधर, ये देखिए आपके पास इस तरीके से कॉन्ड्यूट रोटिंग हो जाता है रेडी। तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, ये आपका एक ओवरव्यू टाइप का कॉन्ड्यूट रोटिंग तैयार हो जाता है, ठीक है। तो पैनल स्केड्यूल से इसको कैसे कनेक्ट करना है वो हमने देख लिया है, ठीक है। सो अब यही सेम चीज हमें क्या करनी है, निचले वाले फोल्डर पे भी करनी है। तो कुछ नहीं करना, सिंपली आप इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है, ये देखिए इस तरह से। फिल्टर पे जाएं, चेक रन करें, कॉन्ड्यूट्स, लाइटिंग फिक्चर्स, इन सब को कॉपी कर लें, अप्लाई, ओके। हमें किस पे करना है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, असाइन टू सिलेक्टेड लेवल, लेवल टू पे करना है ऑब्वियसली, ओके कर दें। और सेम टू सेम आपका नीचे निचले लेवल पे भी आपका कॉपी हो जाएगा। तो ये देखिए आपके पास दोनों लेवल्स पे आपके यहाँ पे कॉपी होते हुए नजर आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। सो ये आपका हो जाता है कॉन्ड्यूट रूटिंग रेडी, ठीक है। हम ज्यादा डेप्थ में और जा सकते हैं, पर इसके अंदर क्या है कि आपके पास स्विच सिस्टम भी इसमें कॉपी नहीं हुआ है ठीक से, तो उसको भी कर लेते हैं।
तो इसी सिस्टम को कॉपी करने के लिए वही सेम तरीका क्या है कि आप लाइटिंग पे आ जाए और यहाँ पे आप सारे जितने भी स्विचेज है उसको सिलेक्ट कर लें, फिल्टर पे जाएं, चेक इन करें और हमें करना है लाइटिंग इक्विपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे लाइटिंग इक्विपमेंट के बजाय आप लाइटिंग फिक्चर्स कर लें, सॉरी लाइटिंग डिवाइसेस, अप्लाई, ओके, और इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड, असाइन टू सिलेक्टेड लेवल, लेवल टू, ओके। सो अब आपका जो है लाइटिंग फिक्चर भी अप्लाई हो चुका है, तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब आपके पास दोनों ही सिस्टम आ गए हैं, इलेक्ट्रिकल भी, ठीक है, और आपका स्विच सिस्टम। ठीक है, तो स्विच सिस्टम से आप कनेक्ट कर ही लेंगे, ज़्यादा मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कॉन्ड्यूट रूटिंग काफ़ी आसान है, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। डिफिकल्टी तब आएगी जब आपको कुछ इस तरीके का कुछ क्रिएट करना होगा, तो डिस्टेंस वगैरह, पेन रेडियस, ये आपको अपनी तरफ से देखना पड़ेगा। ठीक है, सो इतना मैंने आपको बता दिया है। बाकी यहाँ पे हमारे पास क्या बचता है, अब जो हमारा मेन जो पैनल है उसके साथ कनेक्ट होना है यहाँ पे, तो मेन पैनल के लिए मैं आ जाता हूँ ठीक लेवल वन के ऊपर। ठीक है, लेवल वन पे हमारा मेन जो पैनल है वो रहेगा, तो मेन पैनल मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ इस तरह से। मेन पैनल काफ़ी बड़ा वाला होने वाला है, तो मेन पैनल के लिए मैं लाइटिंग फिक्चर पे जाता हूँ। हम डायरेक्ट ले लेते हैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, ठीक है, क्लिक करेंगे, ये आपका मेन पैनल आ गया। ठीक है, ठीक डाउनवर्ड्स में सबसे नीचे निचले वाले फ्लोर पे। तो इसके लिए सबसे पहले तो पूरा जो हमारा फ्लोर है, जो लेवल है, उसको ठीक उठा के यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, तब जाके बनेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो सकता है, तो लेवल 3 से ही शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें मेन जो स्विचिंग है वहीं से उठाते हैं। तो जैसे मैं आ जाता हूँ ठीक नॉर्थ के ऊपर, नॉर्थ से तो नहीं होगा, साउथ पे, सॉरी ईस्ट पे आ जाते हैं। सो यहाँ से मैं शुरू करूँगा और फिनिश करेंगे यहाँ से, बनाना मैं शुरू कर रहा हूँ। और ठीक है, मैं इसको डाउनवर्ड्स तक लेके जाऊँगा ऐसे, एंड ये लीजिए थोड़ा बड़ा डायमीटर लेंगे। ठीक है, सो एक सेकेंड, पहले तो हम थोड़ा बड़ा डायमीटर लेंगे क्योंकि वायर थोड़ा ज़्यादा आएगा। और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा फिनिश और यहाँ से बनाना शुरू करेंगे ऐसे, इधर तक ये क्लिक किया और ऐसे हम डाउनवर्ड जाएंगे। ठीक है, आई थिंक हमें थोड़ा और आगे निकलना पड़ेगा क्योंकि कॉलम्स आ रहे हैं, तो यहाँ तक ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ तक लेके जाना है और फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, और इधर तक हम ऐसे लेके जाएंगे। ठीक है, वैसे तो यहाँ तक आपका आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दूसरे लेवल से भी वही सेम, थोड़ा हमें पीछे लेना पड़ेगा। ठीक है, सो थोड़ा आगे, हाँ, और इस तरह से। ठीक है, एंड मैं आ जाऊंगा यहाँ पे लेवल वन के सीलिंग प्लान के ऊपर ताकि हमें क्लियरली नजर आए, बट हमें वो क्लियरली नजर नहीं आएंगे, ऑब्वियसली बात है। तो हमें इसके लिए थोड़ा अलग से अप्रोच लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, वापस से उसी पे ही आ जाते हैं, लेवल्स के ऊपर ही, ईस्ट एलिवेशन पे ही आ जाएंगे और मैं इसको ठीक वहाँ तक ही ड्रॉ करूँगा जहाँ तक मुझे चाहिए। ठीक है, उस वॉल तक, और फिर बाद में हम, तो यहाँ तक हम इसको ड्रॉ करेंगे इस तरह से और सेम मैं इसको वहाँ तक लेके जाऊँगा। अब देखिए, कॉन्ड्यूट की रूटिंग किस तरह से करनी है ये आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप जितनी अच्छी कॉन्ड्यूट रूटिंग करेंगे, जितना अच्छा वे देंगे उतना अच्छा है। ठीक है, सो अब आ जाते हैं हम अपने इधर, यानी कि नॉर्थ या ईस्ट पे। तो मे बी आई थिंक शायद हमें नॉर्थ पे आना पड़ेगा, हाँ बैक साइड पे ही है, बिल्कुल सही है। सो हमारा जो है ये इधर इस तरफ है, सो उसको थोड़ा सा मैं पीछे ले आता हूँ, हम सही डायरेक्शन में हैं। सो कॉन्ड्यूट लेते हैं यहाँ से, सबसे टॉप से शुरू करेंगे और मैं इसको इस लेवल तक ले आऊँ। ठीक है, इधर तक, और
और फिर यहाँ से ऐसे दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो पहले वाले को तो मैं यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ ताकि हमें बनाने में इसको आसानी हो। ये देखिए दूसरा भी सिलेक्ट हुआ और इसको भी यहाँ तक हम ले आएंगे ठीक है इसके बराबर। और फिर से हमें वही लेवल चेंज करेंगे, वेस्ट पे आएंगे और यहाँ से ये देखिए ऐसे हम शुरू करेंगे इसको, मे बी इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं। मैं बैक साइड वाला हाइड कर रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि कोलाइड वगैरह कर जाता है इस चीज़ से, तो कोलाइड ना हो इसके लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ठीक है। इसके बराबर लेके आएंगे, मैं इधर नीचे की तरफ जाऊँगा और इससे कर देंगे कनेक्ट एंड देन फिनिश। और सेम इसका ही यहाँ पे भी HH, यहाँ पे भी हम करेंगे फिनिश। ठीक है तो ये हमारा मेन पैनल स्केड्यूल से हो गया कनेक्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कहाँ पे हमने शुरू किया था और ये देखिए आपकी जो दोनों वायरिंग्स हैं अब वो मेन से कनेक्ट हो गया है ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं, बाकी जो वायरिंग्स हैं वो आप अपने हिसाब से कर ही लेंगे। कॉन्ड्यूट रूटिंग कोई ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट तो कुछ है नहीं, आपको बस ये चेक करना है कि किस हाइट पे है, किस लेवल पे है ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि हम कॉन्ड्यूट रूटिंग किस तरीके से करते हैं ठीक है। तो यही था हमारा इलेक्ट्रिकल का पूरा पार्ट। अब बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि सर हमने इतना ही किया है, इससे इसमें और क्या नया हो सकता था। तो देखिए इलेक्ट्रिकल में हम इफेक्टिव लाइटिंग डिजाइनिंग पे ही काम करते हैं, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से कुछ इसमें होता नहीं है। अगर आप सोच रहे कि ट्रांसफॉर्मर के ऊपर कैसे अप्लाई करना है तो देखिए ट्रांसफॉर्मर ज़रूरी नहीं है कि आप अपने उसमें शो करें ठीक है। इसमें हम ट्रांसफॉर्मर के लिए भी काम कर सकते हैं लेकिन ट्रांसफॉर्मर वाला जो पार्ट है वो एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग में इतना कंसिडर नहीं किया जाता व्हेन यू आर वर्किंग विद रेजिडेंशियल एरियाज। सो आई डोंट थिंक सो कि इसकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप करना चाहते हैं उस चीज के लिए तो आप डेफिनेटली जान सकते हैं ठीक है। वैसे कोई इतना रेकमेंडेड होता नहीं है, पर बाकी यही थी आज की हमारी पूरी वीडियो और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मुझे उम्मीद है आपने लास्ट वाली HVAC वीडियो पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, व्यूज आ रहे हैं, लेकिन अभी भी उसको थोड़ा और रिस्पॉन्स चाहिए मुझे लगता है। प्लीज़ उसे और अच्छे से शेयर करो ताकि जो HVAC में जो बिगिनर लेवल पे हैं उनको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो, उनको थोड़ा और अच्छे से जानकारी मिले। और साथ ही साथ में रेविट MEP के ऊपर कोर्स ज़रूर चेकआउट करें, उसको ज़रा देखें, वहाँ पे समझें। कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल है, आप जितना पिज्ज़ा पे अपना खाने में खर्च कर देते हैं उतना ही है, कुछ ज़्यादा बड़ी कॉस्ट तो है ठीक है। तो नॉमिनल कॉस्ट है, आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। सो बस आज के लिए इतना ही। टिल देन दिस इज रिजल्ट फॉर सेलियर सेइंग गुड बाय एंड टेक केयर फ्रॉम PTS Care Expert। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।